मतलब बस कांग्रेस ही आना चाहिए यार बॉस, कांग्रेस ही आना चाहिए अभी। क्यों बोल रहे थे महंगाई इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। अच्छा, और बहुत वांदे अभी हर चीजों में यार, महंगाई इतनी बढ़ गई कि जिसके अंदर अभी टक्कर बोल रहे थे नितिन गडकरी की यार विकास ठाकरे की बाबू की, बहुत जोरदार टक्कर है। और आने वाले विकास भाऊ जाने वाले, गडकरी साहब और ठाकरे भाऊ, हाँ दोनों में नहीं, दोनों में टक्कर जबरदस्त है। पर बात क्या है, अभी पूरा माहौल बोल रहे थे विकास भाऊ का चल रहा है, नहीं परिवर्तन चाहते हैं क्या अब इस बार? मैं तो सर गडकरी जी को पसंद करता हूँ, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन अगर गडकरी जी को आप मजबूत कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को मजबूत करने वाली बात होती है। वो तो बात सही है, तो इधर आग उधर खाई है, ऐसी सिचुएशन में लग रहे साहब आप। लेकिन गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। अच्छा गवर्नमेंट, अच्छा मोदी जी के काम से खुश नहीं है? मोदी जी के काम से खुश नहीं है यार, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी, भैया खाना तो झूठ का पुलंदा है उनके पास। तो चाहने होना, और काफी लोग बेरोजगार है अभी इसके लिए, तो बहुत जिम्मेदार तो मोदी होंगे, इसके काफी लोग मोदी रहेंगे साहब, तो काफी लोगों का समाधान होना चाहिए। और काफी लोगों को ड्यूटियां निकालने में आया है, बैंक में निकालने, बैंक के लोगों को निकालने में आया है। अच्छा। कुछ कच्ची में लगा रहे, जो रिटायर हो गए उन्हीं को वापस भेज रहे, ऐसे वगैरह नहीं होना चाहिए था। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है काफी लोगों को, ये तो ठीक नहीं था। ये लग तो रहा है, पर होना चाहिए जो आना पंजा आना चाहिए। अच्छा? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, कुछ समझता ही नहीं है, सब लोग का प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं लोग कि मोदी जी और गडकरी साहब का डंका बज रहा है, विकास काम किए, अच्छे काम किए उन लोगों ने, तो वही आ सकते हैं, लोग बोल रहे हैं। लोग तो सभी बोले गए। अच्छा। अब पता नहीं क्या आता है, पंजा दे या कौन। अच्छा आपकी क्या चॉइस है? मुझे तो पंजा आना चाहिए, मतलब दो चार जो कुछ चीजें कि विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और अच्छी शिक्षा चाहिए। आपका रुख किधर रहेगा इस बार, बदलाव चाहते हैं क्या, परिवर्तन चाहिए क्या आपको? हम तो कब से चाह रहे हैं, लेकिन हमारे चाहने से क्या हो रहा है? नहीं जनता है भैया, आपके चाहने से ही विकास, जो विकास की जो बात करते हैं उनको भी बदल दिया जा सकता है। तो रोज ड्यूटी वाले हैं तो उनका तो चल रहा है। हाँ। जो बेरोजगार है, रोज का कमाने वाला खाने वाला, तो बीवी बच्चे कैसे पालेगा वो? अच्छा, तो उनके ऊपर महंगाई का असर सीधा पड़ता है उनके ऊपर ना, गरीब इंसान तो मर रहा है ना, अमीरों की तो कोई बात नहीं, चलो उनका तो पाल रहे हैं, गरीब इंसान का तो वो मारा मारी हो गई ना। साथियों स्वागत करता हूँ आवाज इंडिया पर, मैं हितेश। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में राजनीतिक दंगल के तहत नागपुर की जो जनता है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको अपना नया खासदार और यहाँ से नया एमपी देखना चाहती है, इस पूरे चर्चा को लेकर के हम लोग जनता तक जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि अभी तक नागपुर की जो सिचुएशन है वो किस तरीके से काम कर रही है। गडकरी साहब यहाँ से वर्तमान में सांसद है, गडकरी साहब ने कितना काम किया है और उनके काम से लोग खुश है या नहीं है, और वर्तमान में कांग्रेस के तरफ से जो उम्मीदवार दिया गया है विकास भाऊ ठाकरे, इनके नाम की कितनी चर्चा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे, पहले भैया से जान लेते हैं। भैया क्या लगता है आपको कि 2024 का जो चुनाव है, गडकरी साहब जीतेंगे या फिर ठाकरे साहब जीतेंगे, क्या लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता था, कोई भी जी सकता है। अच्छा, तो आप यहाँ लोगों को, बहुत सारे लोगों को चाय पिलाते हैं और चाय की टपरी पर जो चर्चा होती है वो देश की चर्चा कही बताई जाती है, फिर भी आपको अंदाज नहीं है कि गडकरी साहब के काम से लोग खुश है नहीं है? गडकरी साहब का लोग से वो बहुत खुश है। अच्छा, तो काम से उनके खुश है, तो लगता है कि ये लड़ाई उनको जो आने वाले समय में उनको मुश्किल जाने वाली है? नहीं, वो मुश्किल कहाँ जाएंगी, उनको जीतना जीतना है। अच्छा, वो जीतना है। तो देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो यहाँ के लोग हैं उनके काम से खुश है, हमारे साथ और भी नागरिक है। सर क्या नाम है आपका? कैला डोंगरे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि ये चुनाव गडकरी जी अपने नाम ले कर जाएंगे या फिर ठाकरे जी के नाम हो सकता है? सर कोई बता नहीं सकते। अच्छा, जनता का माहौल है। अच्छा, कोई लोग गडकरी जी को पसंद करते हैं। अच्छा, तो बीजेपी को पसंद नहीं करते। अच्छा, नहीं एक चीज बताइए, गडकरी जी ने विकास किया है क्या नागपुर का? हाँ, गडकरी जी ने विकास किया है। अच्छा, क्या 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 विकास हुआ है? सर रोड अच्छे बने हैं, मेट्रो आई है। अच्छा। बहुत सारा डेवलपमेंट चालू है। अच्छा, नहीं तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट में रोजगार आता है क्या? डेवलपमेंट में रोजगार तो शिक्षा आती है। शिक्षा तो आती है, महंगाई आती है क्या? महंगाई भी आती है। अच्छा, गरीबी जो बढ़ रही है वो आती है क्या? तो ये सब भी तो सवाल है। ये सब भी सवाल है कि अगर ठीक है रोड रास्ते बन रहे, अच्छी चीज है, वो डेवलपमेंट का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा डेवलपमेंट अगर उसको बोलना कितना सही है? अब सर सामाजिक दृष्टिकोण से तो उसको नहीं बोलेंगे। अच्छा,
इंफ्रास्ट्रक्चर या नहीं, जैसे बिजनेस दृष्टिकोण से ये ठीक है। अच्छा, बिजनेस के दृष्टिकोण से विकास हुआ ऐसा मानेंगे? ऐसा मानेंगे। अच्छा, तो आपका किधर रुख रहेगा, आप किधर देखना चाहोगे, नहीं परिवर्तन चाहते हैं क्या आप इस बार? मैं तो सर गडकरी जी को पसंद करता हूँ, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अच्छा, लेकिन अगर गडकरी जी को आप मजबूत कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को मजबूत करने वाली बात है। वो तो बात सही है। तो इधर आग उधर खाई, ऐसे सिचुएशन में लग रहे हैं साहब आप। लेकिन गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट अच्छा, मोदी जी के काम से खुश नहीं है आप? मोदी जी के काम से खुश नहीं, नहीं यार, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी। भैया खाना तो झूठ का पुलिंदा है उनके पास। कैसे झूठ का पुलिंदा है? बहुत सारे जुमलेबाज है वो। कैसे जुमलेबाज? देखो, धारा 370 हटा दी है, UCC ला दी उन्होंने, ठीक है, बड़े बड़े काम किए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन। जो 70 बोलते हैं वो पूरी तरह थोड़ी हटी है, वो कोई बी ऐसा कोई सेक्शन है वो हटा है उनका। अच्छा, हाँ, अब वो पूरा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी नहीं है वो, कुछ सेक्शन है उनका। अच्छा, उससे फायदा हुआ क्या जनता को? जनता को कोई फायदा नहीं है, वो बिजनेसमैन को फायदा है। वो कोई बोलते जमीन खरीद नहीं सकते थे, तो सिर्फ वही लोग जाके जमीन खरीद सकते। कौन लोग खरीदेंगे जमीन? वही बिजनेसमैन, जैसा अंबानी अडानी हो गया। अच्छा, और तो ये लोग बिजनेस वहाँ पे करेंगे और वो जमीन खरीदेंगे। हाँ, वो खरीदेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए कि इस बार जो चुनाव है वो टफ जाने वाला है क्या गडकरी जी को? हाँ, तो टफ तो जाएगा ही। क्यों टफ जाएगा भैया, विकास कर रहे हैं वो नागपुर का। विकास की बात करेंगे तो कैसा है कि विकास जहाँ तक है बीजेपी का कार्यकाल है तो उसमें कुछ खास हुआ नहीं है। कैसे कुछ नहीं हुआ है? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता की जैसी अभी रोजी रोटी का सवाल है। अब लोग बोलते हैं कि रोजी बढ़ गई है, हम तो रोजी वाले इंसान है, हमारे को उतना मिल नहीं रहा ना। अच्छा, रोजी के हिसाब से। अच्छा, और महंगाई इतनी है, सिलेंडर देखेंगे तो सिलेंडर 1200 कर दिए, फिर उसको उतार दिए, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया। हाँ, पेट्रोल का भी है वैसा ही। अच्छा, पेट्रोल भी आगे बढ़ा दिए, फिर उतार दे रहे, फिर और बढ़ा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि 2014 में जो 60-65 रुपए लीटर पेट्रोल था और उसको और कम करने की बात मोदी जी के सरकार में हुई थी, वो हुई है क्या अभी? नहीं, कहाँ। अच्छा, वो तो रामदेव बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों कि आपको 60-65 का चाहिए या 35 का चाहिए। अच्छा, ऐसा रामदेव बाबा बोले? ऐसा बोल रहे थे ना, जो न्यूज में है या कहीं जनता ने देखा, वो ही है। तो वैसे कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है, उसका डबल हो गया। उसका डबल हो गया, 60-65 का। अच्छा, उसका का डबल हो गया। डबल हो गया। अच्छा, नहीं तो इस बार विकास के नाम पे वोट गिरेगा या शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और भी कई मुद्दे हैं जो देश चाहता है, इसके बारे पे क्या कहेंगे आप? कि विकास पे पड़ेगा या रोजगार बेरोजगारी के प्रश्नों पे पड़ेगा? अब देखिए, बेरोजगारी तो बहुत पड़ी है, तो आप मानते हैं कि भैया विकास सिर्फ रोड रस्ते बनाने से होता है या रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, दवाखाने हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्कूल कॉलेज बनना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो दोनों है, मतलब दो चार जो कुछ चीजें कि विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। अच्छा, सभी और अच्छी शिक्षा चाहिए। आपका रुख किधर रहेगा इस बार? बदलाव चाहते हैं क्या, परिवर्तन चाहिए क्या आपको? हम तो कब से चाह रहे हैं, लेकिन हमारे चाहने से क्या हो रहा है? नहीं, जनता है भैया, आपके चाहने से ही विकास, जो विकास की जो बात करते हैं उनको भी बदल दिया जा सकता है। जनता चाहेगी तो सरकार बदलती है ना, इसलिए तो लोकतंत्र का मतलब ही वही है, लोगों के हाथ में सत्ता रहती, किसको चाबी सौंपना है सत्ता की, तो जनता तय करती है। नहीं, जनता के हाथ में तो है, अभी तो पिछली बार भी जनता के हाथ में था, हमने जो देखा है सुना है। अभी ये UEM का जो मसला आ रहा है तो उसमें जनता वो जो वोट कर रही है तो वो वोट उसका सही जगह जा नहीं रहा है ना। अच्छा, EVM पे संदेह है आपको? हाँ, शक है आपका? शक है, मतलब अरे क्या नहीं हो सकता है? कैसे शक है, क्या क्या सबूत है आज क्या? के साइंस युग में क्या नहीं हो सकता है जी? हमारा यहाँ का पैसा वो लंदन में जा रहा है। अच्छा, करेंसी यहाँ की? हाँ, बदल के। तो EVM में कुछ क्या नहीं हो सकता है धांधली? तो लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार कहा है कि जो VVPAT मशीन की जो पर्चियां निकलती है, चुनाव वो उन पर्चियों का जो वोटिंग मशीन है, EVM की जो मशीन है, उन वोटों से मैच किया जाएगा, ऐसा बोला है चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव आयोग तो उसी का ही है। अच्छा, अभी जो सत्ता में जो लोग है हाँ, उन्हीं का है। EVM मशीन जो बनाते है हाँ,
वो भी उनकी ही है। अच्छा, तो इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो हम तो चाहते ही है। देखिए बदलाव चाहते हैं। अच्छा अंकल, क्या नाम है सर? मुन्ना तिवारी। आपका भी वोट नहीं है? नहीं, मेरा है। अच्छा वोट है क्या? हाँ। अच्छा बताइए, गडकरी साहब के काम से खुश है? बिल्कुल खुश है। अच्छा कैसे खुश है, कौन से काम हुए हैं? बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे कि रोड का बहुत बेहतर काम हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ। कहीं भी आपको जाना है जी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही बेहतर काम हुआ है जी, और इस काम के लिए खुश है अपन जी, जी। और जो यहाँ की पानी की जो व्यवस्था है, अच्छा यहाँ की जो व्यवस्था है लोकल नागपुर की, रोड रस्ते वो बहुत अच्छे हुए हैं, इसलिए अपन खुश है। नहीं, और रोजगार के संदर्भ में क्या विषय है? रोजगार भी अच्छा है मिहान में, जो रोजगार मिला करीब 50 से 60 हजार युवा को जो मिहान में रोजगार मिला, उनके वजह से मिला रोजगार। अच्छा हाँ। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कि विपक्ष के लोग जो मिहान कंपनी थी वो 2013 में कांग्रेस के जमाने में लाई थी। जमाने में नहीं आई थी, उस समय यहाँ पे जो सरकार थी महाराष्ट्र में वो सरकार बीजेपी की थी। 2013 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस नहीं तो कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया था? कुछ भी नहीं किया ऐसा वो भी बोलते हैं। क्या किया? अच्छा, तब भी पैसे आते थे ना। अच्छा, तब भी टैक्स आते। 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ऐसा आरोप लगा रहे हैं? कुछ भी नहीं किया तब भी पैसे आते थे ना। अच्छा एक चीज बताइए, देश में एम्स कब बना? क्या बोले? एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। वो तो अपने को मालूम नहीं। आईआईटी कब बना? नागपुर का जो एम्स है वो अभी बना, 2-4 साल। देश की बात कर रहे हैं, ओवरऑल अगर देश की बात कर रहे हैं। आईआईटी का उतना अपने को ये नहीं। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब तो उतना अपने को सब मालूम नहीं। देश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, जब गर्त में थी तब उस देश की अर्थव्यवस्था को 1990-92 के समय में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जागतिक व्यापार के दृष्टिकोण से ग्लोबलाइजेशन किया, LPG लाया, और तब देश की अर्थव्यवस्था सुधरी। और इतना होने के बाद भी आप बोलते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने, मैंने नहीं, सभी जन बोलते कुछ भी नहीं किया। क्या किया कांग्रेस ने? अच्छा मोदी जी ने अच्छा काम किया? मोदी जी ने अच्छा कर रहे हैं। एक दो उदाहरण अच्छे बताइए। क्या बोले? एक दो उदाहरण अच्छे बता दीजिए मोदी जी के, क्योंकि देश की जनता जानती है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप बता दिए ना। उदाहरण दिख रहा है आपको? कौन सा? बहुत सारे उदाहरण दिख रहे हैं। एक दो देश का पेट भर रहा है, फोकट का अनाज बांट रहे हैं। अच्छा फोकट का अनाज बांट रहे हैं, लेकिन यही लोग जब आरोप लगाते हैं कि भैया रोजगार की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, हमको पहले रोजी रोटी के लिए नौकरी दो, तब नौकरी नहीं मिल रही ना लोगों को। नौकरी मिल रही लोगों को, कहां से बाहर निकलेंगे, काम करेंगे तो नौकरी मिलेगी, वो नौकरी का आंकड़ा नहीं होता भाई। अगर आप वोट देते हैं सरकार को तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको स्थायी रोजगार देने की बात जवाबदारी सरकार की रहे। सरकार नौकरी उसी को देगा जो क्वालिफाइड रहेगा। अच्छा तो देश में क्वालिफाइड लोग उठा, तो जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको नौकरी मिल रही है? कहां मिल रही है, आंकड़े बताइए सब। दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात अगर मोदी जी कहते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला? ये करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए मोदी जी कहते हैं, पर मिला क्या? 15 लाख खाते में आए क्या? तो जनता से बातचीत करना हमारा जारी है। आपका वोट है? हाँ। अच्छा तो गडकरी जी के काम से खुश है नहीं है? गडकरी जी के काम से तो खुश है बोलना। गडकरी जी काम से काफी लोग खुश है, काम के वजह से। आप खुश है कि नहीं? हाँ मैं भी खुश हूँ वैसे। तो इस बार वोट जाएगा गडकरी जी को? हाँ जाएगा ना, वोट जाएगा। हाँ विकास ठाकरे भी खड़े हैं कांग्रेस के तरफ? हाँ विकास ठाकरे भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, पर उनका बता नहीं सकते अभी। विकास ठाकरे भी काफी अच्छे नेता है वो विकास ठाकरे भी। तो पिछले 10 साल में चीजें बदली है नागपुर में? हाँ चीजें तो काफी बदली है नागपुर में। क्या जैसे? वो काम के वजह से उनके, और काम कार्य बहुत अच्छा है उन लोगों का। अच्छा, बीजेपी पार्टी का। अच्छा तो एक चीज बताइए कि मोदी जी का डंका बज रहा है देश में? मोदी जी का डंका तो काफी बज रहा है, और भी आगे भी बजने वाला ही है, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा काम कर रहा है, एक दो काम? हाँ अच्छा बता दीजिए कुछ। वो काम तो काफी अच्छा तो है, कुछ लोग नाराज भी है, कुछ कलरशिप लोगों की ये हो गई है, कुछ लोग नाराज, और कुछ काम करने वाला था, नौकरा वगैरह लगने वाले थे उनको, काफी लोग उनसे भी कुछ नाराज है, नहीं वो काम नहीं निभाए जो वादा किए थे, वो
वो नहीं निभाए। अच्छा, 15 लाख मिले आपको? वो कुछ भी नहीं मिले, वो 15 लाख नहीं। वो जो अपने काफी बच्चों को घर में सिलेंडर में होने वाला, तो वो भी सिलेंडर का रेट, हाँ वो वादा किए थे मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने वादा किए, तो वो भी नहीं होगा। कुछ कुछ लोग तो ऐसे पेट्रोल का रेट 35 रुपए करने वाले रहते, काफी लोग मोदी जी से कुछ नाराज है। स्कॉलरशिप है उनकी, इतना नहीं मिलती थी, 20-20, 25-25, 22-22 हजार, वो भी काफी लोग बंद हो गई ना, बंद होगी वो, हाँ। तो वो कुछ कुछ लोग नाराज है उसके वजह से, तो मोदी जी के से कुछ, हाँ, कुछ लोग नाराज है, हाँ। लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन भी तो दे रहे हैं भैया। हाँ, राशन भी दे रहे मानता मैं, पर कुछ कुछ लोग नुकसान भी होगा, कुछ कुछ लोगों को सर्विस लगने वाली थी वो भी नहीं लगी। 2 करोड़ रोजगार की तो बात किए थे, वो भी उनको, वो भी गलत गलत है, वो भी बोलने का वादा करते हैं और वो वादा नहीं निभा, धोखेबाजी तो धोखेबाजी वाली बात है, ऐसा नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पब्लिक को, लोगों को, काफी लोगों को समझता है इसमें। मेरे को एक बात बताए, तो देश में अभी मोदी जी चाहते कि बदलाव चाहेंगे आप, बदल होना तो चाहना ही होना, और काफी लोग बेरोजगार है अभी इसके लिए, बहुत जिम्मेदार तो मोदी होंगे उसके, काफी लोग मोदी रहेंगे साहब, तो काफी लोगों का समाधान होना चाहिए। और काफी लोगों को ड्यूटियां निकालने में आया, कुछ बैंक में निकाल, बैंक के लोगों को निकालने में आया, अच्छा। कुछ कच्ची में लगा रहे, जो रिटायर हो गए उन्हीं को वापस भेज रहे, ऐसे वगैरह नहीं होना चाहिए था। तो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, काफी लोगों को, ये तो ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन नागपुर में आप विकास ठाकरे जी और गडकरी जी है, तो आपका सीधा कहना है कि आप गडकरी जी को चुनोगे? गडकरी के तो चुनेंगे, बाकी और भी लोगों का क्या विचार है उनको तो नहीं पता। हाँ, लोगों के अपने अपने गलती भी के तो अपने ये कर देंगे, बाकी लोग तो नहीं करेंगे ना, मोदी जी को माफ नहीं करेंगे। कुछ लोग, कुछ कुछ लोग पढ़ रहे, लिख रहे, अपने बच्चों को ये कर रहे, हाँ। उसमें स्कॉलरशिप नहीं बनते जा रही, अच्छा। तो उससे काफी लोग नाराज है, काफी लोग नाराज, हाँ। कुछ सर्विस के वादे किए तो उसके लिए भी काफी लोग नाराज, नहीं मिल रही ड्यूटियां, नहीं मिल रही, बेरोजगार लोगों को, लड़के बच्चे बेरोजगारी हो रहे, प्राइवेट में जा रहे 10-10, 12-12 हजार रुपए, उसमें उनका पूरा हो रहा नहीं, नुकसान हो रहा, हाँ। जिसके पास पैसा है वही अच्छी पढ़ाई लिख के आगे बढ़ रहे, और कुछ लोगों के लिए बेनिफिट नहीं मिलने तर वो नहीं मिल रहा, ऐसा है गरीब। तो बस इतना ही चाहता हूँ, मोदी गड़गड़ी तो आना ही यहाँ से आराम से, हाँ। आ सकते हैं, लेकिन मोदी साहब का मुश्किल है, मोदी साहब का मुश्किल है, पर कुछ लोग नाराज है। मोदी साहब तो कोई भी हालत में आना ही है, पर जिसको जिसको नहीं कुछ बेनिफिट मिला उन लोग नाराज है। आपको मिला बेनिफिट क्या? हमको तो, हम तो, हमारा तो मिला तो नहीं बोला, पर तो भी नहीं, एक आपके घर में किसी का नौकरी लगी क्या? हाँ, नौकरी तो नहीं लगी, पर हम तो बचपन से मोदी जी को चाहने वाले है, मोदी साहब के, हाँ हाँ। पर अभी उतने चाहने वाले भी है, कुछ कुछ गलतियां किए है मोदी जी ने, वो भी बता रहे मैं आपको, ऐसा। तो देखिए, नाराज है भाई साहब, क्या खुश है आप? क्या खुश है, बेरोजगारी भरी हुई है। क्या बेरोजगारी है जी? यार, नौकरियां नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में काम करे 300 रुपए रोज से। तो आपको, आपको अभी थोड़ी ना नौकरी लगने वाली है? अरे तो शुरू से तो वही काम करते आ रहे ना, अभी 64 साल की उम्र है हमारी जी। अच्छा, क्या जी, बच्चों को रोजगार नहीं, वो बिल्डिंग करने जाता उधर में, उसकी भी रुचि नहीं बढ़ रही। अच्छा, आपके बच्चे? हाँ। तो वो प्राइवेट काम करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो बोलते हैं कि लोग विकास हुआ है, बोल रहे थे। अरे विकास हो गया तो कौन से विकास है, हमारे कौन से काम का है वो विकास का? नहीं तो रोड रस्ते बन गए ना, रोड से पैदल चलेंगे, गाड़ी घोड़े वाले के लिए ठीक है, बड़े लोगों के लिए। अच्छा, रोड गाड़ी वालों के लिए फिर? अच्छा, हम पैदल वाले के लिए है क्या? पुलिया, ये पुलिया, पुलिया से कौन जाएंगे, बड़े गाड़ी वाले जाएंगे ना। मिहान जैसी बड़ी कंपनी लाए बोलते? अरे काल रोजगार लाते तो कारखाने सब बंद हो गए नागपुर शहर के, ये मिल बंद हो कर दिए। कितने कारखाने थे? 4-5 कारखाने थे यहाँ पर नागपुर में, गिरनी, सिद्ध गिरनी, अच्छा। माड़ो मिल, हाँ। और टाटा की मिल थे, अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के, हाँ। पूरे बेकारी फैलवा दिए, अच्छा। इन्होंने बंद करके, तो मिले बंद करवा दिए, मिले बंद करवा दिए। और लोग कहाँ से करेंगे? अच्छा, एक मिल में 5,000-10,000 मजदूर काम करता था, अच्छा। फिर वो सब गए ना, अभी बैठ गए ना, रिटायरमेंट हो गए, बेकार, वो लोग बेरोजगार हो गए। तो आपको लगता है कि देश में फिर से मोदी जी आएंगे? भरोसा नहीं करते वो, अपन बदलाव तो चाहिए अपने को, बदलाव चाहिए आपको, चाहिए बदलाव होना जरूरी है। यहाँ पे बदलाव चाहिए क्या? यहाँ पर भी बदलाव चाहिए और देश में भी बदलाव चाहिए, दोनों जगह बदलाव चाहिए। नहीं तो क्या है, वही रहेगा फिर तानाशाही की सरकार। अच्छा, तानाशाही, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, कैसे तानाशाही? क्या है तानाशाही से, क्या है, हम बोले वो कायदा बोलते हो। अच्छा, ये ऐसी बात है ना, हम बोले वो कायदा बोलते हो। और बाकी जनता? बाकी जनता क्या है, सुनती नहीं क्या उनकी? सुनती क्या, जो वो उनके कायदा रहेंगे तो सुनेंगे इतनी जनता? अच्छा, उनके कानून को चलेगा, वो तो सरकार उनकी है, अच्छा, उनकी सुनना पड़ेगा ना। तो इस बार परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी चाहिए, कुछ चांस मिलने को ना। अरे वोट दोगे नहीं दोगे, वोट दोगे ये तो बताओ, वोट दोगे कि नहीं दोगे? वोटिंग तो करना ही है ना, वोटिंग करना है कि नहीं? चुनाव आ रहा है नजदीक, राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, गर्मी भी बढ़ रही है और राजनीति की माहौल भी बढ़ रही है। ये रिक्शा चला रहे, ये रिक्शा चलाएंगे, ये रिक्शा ही चलाएंगे। नहीं तो आपका विकास नहीं हुआ क्या? नहीं,
नहीं तो काका एक चीज बताओ मेरे को कि जैसा अभी यहाँ पर लोग गडकरी साहब के काम से खुश है, रोड रास्ते अच्छे बना दिए आपके लिए, आपकी जो गाड़ी चलती है अच्छी चल रही है और तमाम जो चीजें है पुलिया वुलिया बना दिए, तो गडकरी साहब के काम से खुश नहीं क्या आप? खुश है ना, खुश है, सभी तो खुश है। अच्छा सभी खुश, हमारा पूरा परिवार खुश है, पूरा परिवार खुश है। लोग परेशान है, भले ही चाहते हैं कि रोड रास्ते बन रहे हैं अच्छी बात है, पुलिया बन रहे हैं लेकिन अच्छी बात है, लेकिन जब इन्हीं रोड रास्तों पर जनता रोजगार के लिए भटकती है, जनता जब अपने बेसिक प्रश्नों के लिए भटकती है, तब कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि भैया रोड रास्ते बन गए ठीक है लेकिन रोजगार का क्या? महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के भाव ज़्यादा हो रहे हैं, उसका क्या? तो क्या नाम है आपका? मैडम जॉब करते हैं आप? नहीं, हाँ जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं। अभी घर जा रहे होंगे? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, इस बार बदलाव हो सकता है कि फिर से गडकरी जी रिपीट हो सकते हैं? पता नहीं। क्यों वोट नहीं है आपका? है? अच्छा वोट है क्या? हाँ। अच्छा फर्स्ट टाइम वोट रहे क्या? नहीं, दो तीन साल हो गया हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब वोटिंग कार्ड बन के दो तीन साल हो गया, इस बार आप चुनाव में वोट देने वाले? हाँ। तो इस बार मुश्किल लग रहा है क्या? लग तो रहा है, पर होना चाहिए, जो आना पंजा आना चाहिए। अच्छा? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। अच्छा? कुछ समझता ही नहीं है। अच्छा? सब लोग का प्रॉब्लम हो गया है। नहीं, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं लोग कि मोदी जी और गडकरी साहब का डंका बज रहा है, विकास काम किए, अच्छे काम किए उन लोगों ने, तो वही आ सकते, ऐसे लोग बोल रहे हैं। लोग तो सभी बोले गए। अच्छा, अब पता नहीं क्या आता है, पंजा देगा कौन? अच्छा, आपकी क्या चॉइस है? मुझे तो पंजा आना चाहिए। अच्छा, आपका वोट है जी? मोदी। क्यों मोदी, कोई खासियत? इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना अभी इतना, मतलब हर एक चीज में, कौन से भी फील्ड में जाओगे तो डेवलपमेंट और सब, मोदी आया तब से कितना चेंज हो चुका है सब। डेवलपमेंट की क्या व्याख्या हो सकती है? डेवलपमेंट यानी अपन एक स्पेसिफिक स्कोप लेके डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, बट कैसे, जैसे रोड्स में भी बहुत सारा अभी हाईवेज वगैरह हो गए, वो बहुत डेवलपमेंट हो गया है। अच्छा। हाँ, और कैसे? नहीं, आप बोलते हैं कि रोड रास्ते बन गए लेकिन रोजगार की बात नहीं हो रही है। रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी गैस सिलेंडर के दाम आपको पता होंगे कि 400 का सिलेंडर जब 1100 होता है, कितना महंगाई हो गई। अपने पैसे अपने को ही मिल रहे हैं ना। अच्छा। ज्यादा महंगाई, सीढ़ी भी बंद हो गई लगभग। तो ये मुद्दे होना चाहिए, वो है, बट मैं उस पर नो कमेंट। कांग्रेस ही आना चाहिए यार बॉस, कांग्रेस ही आना चाहिए। क्यों, अभी क्यों बोल रहे थे महंगाई इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। अच्छा, और बहुत वांदे है अभी। अच्छा, हर चीजों में यार महंगाई इतनी बढ़ गई कि जिसके यार अभी टक्कर बोल रहे थे नितिन गडकरी की, यार विकास ठाकरे बाबू की बहुत जोरदार टक्कर है। और आने वाले विकास भाऊ जाने वाले, गडकरी साहब और ठाकरे भाऊ, हाँ दोनों में, नहीं दोनों में टक्कर जबरदस्त है। पर बात क्या है, अभी पूरा माहौल बोल रहे थे विकास भाऊ का चल रहा है। अच्छा, एक बात ये ध्यान में रखना, यार आना उन्हीं नहीं है। अच्छा, और आना भी चाहिए, और सबको चांस मिलना चाहिए ना यार, एक ही जगह एक ही बार 10 साल बैठना एक ही कुर्सी में बराबर उचित नहीं है। अच्छा, जैसे आदमी रोज दाल रोटी खा के बोर होता है। हाँ, वैसे जनता बोर हो गई ना, पूरी बोर हो गई। अच्छा, इसीलिए सबको चांस मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि अपन ने एक ही जगह बैठना चाहिए फिर बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। नहीं तो मोदी साहब के काम आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, मोदी साहब अपनी जगह है, अपनी नागपुर की बात। तो ये विकास ठाकरे बाबू की और नितिन गडकरी की ये बहुत बड़ी टक्कर है। अच्छा, और अच्छी टक्कर है। हाँ, और विकास बाबू आने ही वाले हैं जीत के। विकास बाबू 100% बता रहा हूं, नितिन बाबू की हवा खराब है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ गई यार। अच्छा, हमारे ऑटो के धंधे नहीं, ये नहीं धंधे, वो नहीं धंधे। हाँ, मैं ऑटो की, ऑटो से सवाल लेता हूँ की भैया रोड रस्ते और मेट्रो तो बन गए बोलते हैं, आपके आपके रोजगार पे असर पड़ा क्या? अरे बहुत बड़ा पड़ गया, ई रिक्शा निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, फिर क्या क्या निकाल दिया, ओला कुबेर निकाल दिया, ये बेचारे ऑटो वाले मजदूर लोगों को काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्या करेंगे आदमी। अच्छा, तो ऐसा है ना, दिन भर 2-4 सवारी में हो जाता है। नहीं, 2-4 सवारी में हो जाता ना, 2-4 सवारी में कहाँ से होगा, बहुत वांदे है अभी सबके। तो इसलिए बदलाव चाहिए क्या? हाँ, बदलाव बहुत जरूरी चाहिए। अच्छा। मैं एक्चुअली ऑटो नहीं चलाता मैं। हाँ। लेकिन आपको दिल की बात बता रहा, हर चीज में महंगाई कर दी है नितिन गडकरी साहब ने, और बहुत वांदे खाने के अभी मजदूरी, हमारे को मजदूरी नहीं मिल रही, काम धंधा नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग। ये भी और अभी कांग्रेस आना चाहिए, क्योंकि जो 70 साल जो कांग्रेस ने, अभी ये भाऊ आए 10 साल में, लेकिन सबकी हवा खराब कर दी हमारी वाली। अच्छा, पूरी हवा खराब कर दी। अच्छा, फिर क्या करना है, ऐसा है अभी, इसीलिए अभी बदलाव चाहते हैं। जरूरी है, जरूरी होना चाहिए। अच्छा। सबको चांस मिलना चाहिए ना। हाँ। काम तो सभी लोग करने वाले हैं। अच्छा। नितिन भाऊ आए हैं, विकास भाऊ आए, काम तो करना है ना, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई, और हमारे कितने वांदे हो गए, मजदूरों के बहुत बुरे हाल है हमारे वाले। 1000 रुपए का, हमारे को एक जमाने में 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए।
मोदी साहब को क्या यार, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो, वो पेट्रोल डीजल तो महंगा ही हो गया, लेकिन मोदी साहब को क्या, मोदी साहब अपने कुर्सी में बैठे, गरीबों के ऊपर क्या ध्यान है, ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाता, मैं इसको दे दिया उसको दे दिया, हमारे को एक रुपए भी नहीं मिला, क्या करेंगे उसके लिए? पूरे देश में हवा खराब हो रही है, पूरे देश में तो बोल नहीं सकता अपन, लेकिन नागपुर में, नागपुर में हाँ, नागपुर में हवा खराब है, लेकिन नितिन गडकरी साहब देखिए तो ऐसे जनता बोल रही है कि भैया इस बार हवा पलट सकती है। आपका वोट है क्या, यहाँ वोट है, क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट दिख रहा है यहाँ पर नागपुर में? मेरे को तो कुछ नहीं लगता सर, ये राजनीति के बारे में मेरे को मालूम नहीं, वोट तो देंगे आप, पर इतना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं महंगाई भी बात करूंगा और राजनीति छोड़ दीजिए, महंगाई पर आदमी जो रोज ड्यूटी वाले हैं तो उनका तो चल रहा है, जो बेरोजगार है रोज का कमाने वाला खाने वाला तो बीवी बच्चे कैसे पालेगा वो? अच्छा, तो उनके ऊपर महंगाई का असर सीधा पड़ता है उनके ऊपर ना, गरीब इंसान तो मर रहा है ना, अमीरों की तो कोई बात नहीं, चलो उनका तो पाल रहे हैं, गरीब इंसान का तो वो मारा मारी हो गई ना। नहीं, लेकिन एक तरफ ये मोदी साहब क्या बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ बोलते फ्री में 5 किलो, मेरे को तो कुछ भी यहाँ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, राशन कार्ड नहीं मिल रहा, नहीं यहाँ नहीं है, तो तकलीफ है। हम लोग गांव से आए यहाँ कमाने खाने के लिए, अच्छा। बाल बच्चे पालने के लिए, हाँ। क्योंकि गांव में तो अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। तो अब गांव का मारा आदमी यही शहर में भागता है, अच्छा। और शहर की महंगाई जीने नहीं दे रही इंसान, अच्छा। को गरीब को, अच्छा। तो अब कैसी करेंगे, क्या करेंगे, अब जो है देखा जाए। बच्चे होंगे आपके स्कूल में पढ़ते? बच्चे हैं दो, उनकी फीस कॉलेज है ना, स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो फीस कितनी है, ज्यादा है कम है? ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अब आदमी कोई भी गरीब रहे तो ये तो चाहता है ना कि मेरा बच्चा मेरे जैसी ना बने, अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा उसके विकास के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा। कोई भी गरीब इंसान रहे तो मेरे जैसे मेरा बच्चा ना रहे, ऐसा लायक बना दूं कि कुछ कमा खा सके, इसके बारे में तो क्या बोलेंगे अब तो। लेकिन इस बार नागपुर में विकास ठाकरे भी है, गडकरी साहब भी है, दोनों बड़े नेता है, कद्दा और नेता है, आप इस बार कांग्रेस को चुनेंगे या बीजेपी को चुनेंगे मैडम? अब देखेंगे क्या है, तो अच्छा, देखेंगे, देखेंगे। 19 तारीख को चुनाव है, जरा जल्दी देख लेना मैडम। हाँ, देखेंगे सर, देखेंगे। जरूर जरूर। तो देखिए, जो आम नागरिक है जिनका गैस सिलेंडर के 2 रुपए बढ़ने से जनता पे सीधा प्रभाव पड़ता है, पेट्रोल के 2 रुपए बढ़ने से जनता के आमदनी पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो ये जो प्रश्न है ये जनता के लिए बहुत मायने रखते हैं। भले ही करोड़ों रुपए की सड़कें बने और करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी रोजगार से संबंधित कोई चीज़ सरकार नहीं करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके ऊपर जब बात नहीं होती है तो जनता त्रस्त हो जाती है। आज महंगाई कितनी बढ़ चुकी है आप भी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जब मुद्दों को ध्यान में रखते हैं तो इन बातों का सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ता है, और इस बार जनता सोच रही है कि परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। आप लोग इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम आवाज़ इंडिया के माध्यम से पूरे नागपुर के सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे के माध्यम से जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। प्रतिक्रिया जरूर दें, बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।